नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। गाजा की सबसे बड़ी अस्पताल अल शिफा में बिजली, पानी और ईंधन की सप्लाई ठप होने की वजह से हॉस्पिटल ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके बाद मरीजों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। इजराइल अस्पताल के आसपास लगातार बमबारी कर रहा है। मरने वाले मरीजों का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा। हमास का कहना है कि हॉस्पिटल की घेराबंदी युद्ध अपराध है। अस्पताल में मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अल शिफा हॉस्पिटल पहुंचने की अपील की गई है। बिजली, पानी, इंटरनेट पूरी तरह से ठप कर दिया गया है, जिससे अस्पताल से संपर्क भी टूट गया है। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यहाँ हालात बेहद चिंताजनक हैं। पिछले 3 दिनों से बिजली और पानी नहीं आ रहा। इजरायली सेना की अस्पताल के आसपास बमबारी जारी है। इजरायली सेना ने अस्पताल में मौजूद आखिरी जनरेटर को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिससे अस्पताल में बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई। जनरेटर के बंद होते ही इंक्यूबेटर में मौजूद नवजात शिशुओं ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब एक डॉक्टर ने इंक्यूबेटर के पास जाने की कोशिश की, तब इजरायली सेना ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें, इंक्यूबेटर उस मशीन को कहा जाता है जिसमें खतरे के समय नवजात शिशुओं को रखा जाता है। गाजा में अब तक 200 डॉक्टरों की हत्या की जा चुकी है। डॉक्टर्स की हत्या के विरोध में लंदन में मेडिकल कर्मियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम के दौरान एक डॉक्टर, जिसे गाजा हॉस्पिटल के डायरेक्टर का मैसेज मिला था, जिसे पढ़ते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। सुनिए मैसेज में क्या लिखा था। हम मेडिकल स्टाफ के रूप में सही सलामत अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारे पास मोहलत नहीं है, शायद हम कल सुबह तक नहीं बच पाएंगे। इससे आगे का मैसेज पढ़ने से पहले ही वे फफक फफक कर रोने लगती है। अपना मोबाइल पास में खड़ी दूसरी महिला को पकड़ा देती है, बैठ जाती है और फिर से रोने लगती है। कुछ देर बाद वो फिर से हिम्मत जुटाती है और आगे का मैसेज पढ़ती है। कुछ करो, कुछ भी करो, हम यहाँ मारे जाना नहीं चाहते, सिर्फ इसलिए हम अपने मरीजों और अपने पेशे के लिए वचनबद्ध है। मैं तुरंत मदद की अपील कर रहा हूँ, कृपया अपनी सरकार के जरिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं प्लीज कीजिए, या इंटरनेशनल ICR रेड क्रॉस चिकित्सा कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करें। कृपया इसे गंभीरता से ले। निर्देशक, गाजा अस्पताल ट्रोमा। अस्पताल के गेट पर मरने वालों की बॉडी अंतिम संस्कार के लिए रखी हुई है। गाजा से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक लगातार हमलों के कारण अल शिफा हॉस्पिटल पूरी तरह से कब्रिस्तान बन चुका है। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका ने वो हिम्मत दिखाई जो अभी तक कोई भी मुस्लिम देश नहीं दिखा पाया। साउथ अफ्रीका की विदेश मंत्री ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर डाली। साउथ अफ्रीका की विदेश मंत्री का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट तुरंत बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मंत्रियों के खिलाफ वारंट जारी करे। उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ जुर्म और नरसंहार की जाँच करने की मांग की। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका पहले ही गाजा में इसराइल की अंधाधुंध बमबारी के विरोध में अपनी राजदूत को इसराइल से वापस बुला चुका है। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।